जय श्री राधे मित्रों, जय माता दे मित्रों। चंद्रवन्नी भक्तरस चैनल के माध्यम से मैं पंडित दीपक उपाध्याय देवभूमि उत्तराखंड से आपके अपने चैनल चंद्रवन्नी भक्तरस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं और आद्य शक्ति माँ भगवती से करवत प्रार्थना करता हूं कि माँ भगवती आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें, आपके जीवन के समस्त विघ्न बाधाओं का माता रानी हरण करें और आपका जीवन आनंदमय हो। तो चंद्रवन्नी भक्तरस चैनल के माध्यम से आज का जो हमारा कार्यक्रम होगा वह होगा कर्क राशि के जातकों के लिए। तो कर्क राशि के जातकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आज का कार्यक्रम होने वाला है, क्योंकि आज के कार्यक्रम के माध्यम से हम बात करेंगे कर्क राशि के जातकों के लिए आने वाला जो सप्ताह 23 अक्टूबर से लेके 5 नवंबर 2023 का यह सप्ताह जो है आपके लिए कैसा रहेगा। और वीडियो के अंतिम में बात करेंगे सुंदर सटीक से महत्वपूर्ण उपाय के, जिस उपाय को करके आप इस सप्ताह को सुफलदायी लाभदायी आनंददायी बना सकें। तो सभी लोग जो है वीडियो में अंतिम तक अवश्य बने रहें, वीडियो को इष्ट मित्रों तक शेयर जरूर करें। जो पहली बार हमसे जुड़े हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आगे आने वाली जो वीडियो है वह समय समय अनुसार आप तक पहुंच सके और आप हमारे वीडियो से लाभान्वित हो सके। तो ज्यादा देर न करते हुए बात करेंगे कर्क राशि के जातकों के लिए 30 अक्टूबर से लेके 5 नवंबर 2023 का यह सप्ताह कैसा रहेगा। तो जितने भी कर्क राशि के जातक हैं, कर्क राशि के जातकों के लिए यह जो सप्ताह होगा 30 अक्टूबर से 5 नवंबर का, यह सप्ताह आपके लिए शुभदायी होने वाला है और सौभाग्यदायी आपके लिए यह सप्ताह रहने वाला है। इस सप्ताह जो है आपके द्वारा किए गए जो प्रयास हैं वे प्रयास आपके सफल होते हुए दिख रहे हैं, उन प्रयासों में जो है आपको सफलता प्राप्त होगी और आपको जो है अच्छा खासा लाभ भी इस सप्ताह होता हुआ दिख रहा है। लेकिन जो है कर्क राशि के जातकों को ध्यान रखना है कि जोश में आकर के होश ना आप बिल्कुल खोएं, होश ना गवाएं, जोश में आकर के होश आपको नहीं गवाने हैं, यानी कि आपको जो है जोश में आकर के कोई उल्टा कदम नहीं उठाना है, अन्यथा क्या होगा कि लाभ का जो प्रतिशत होगा वह कम हो सकता है। तो इसलिए इस बात का आपको ध्यान रखना है। और इस सप्ताह जो है कर्क राशि के जो जातक हैं, इस सप्ताह आप जो है अपने काम को जो है अपने काम में खूब मन लगा करके आप कार्य करेंगे और आपको उसका रिजल्ट भी जो है वह शुभ या अच्छा मिलता हुआ आएगा। लेकिन इसके साथ आपको अपनी दिनचर्या और सेहत का भी ख्याल रखना होगा, अपनी दिनचर्या का, स्वास्थ्य का, सेहत का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता होगी, अन्यथा आपका जो शारीरिक एवं मानसिक पीड़ा जो है वह आपको झेलनी पड़ सकती है। तो स्वास्थ्य का, सेहत का भी आपको ध्यान रखना है, नहीं तो शारीरिक और मानसिक पीड़ाएं आपको झेलनी पड़ सकती है। ऐसी परेशानियों से बचने के लिए जो है अपने समय और ऊर्जा का प्रबंधन करके आपको चलना है। यदि आप अपने कारोबार का विस्तार करने की सोच रहे थे, कारोबार में विस्तार करने की आप सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, तो इस सप्ताह जो है आपका हुआ यह ख्वाब भी जो है जो आप सोच रहे थे वह पूरा होता हुआ दिख रहा है, वह पूरा होता हुआ नजर आएगा। इस संबंध में की गई यात्रा जो है सुखद एवं मनचाहा लाभ देने वाली साबित होंगी। जो भी यात्राएं आप करेंगे वह आपके लिए सुखद होंगे, मनचाहा लाभ देने वाले आपके लिए साबित होंगे और भूमि भवन के क्रय विक्रय की कामना भी आपकी पूरी होगी। भूमि भवन को लेने या बेचने की जो भी आपकी कामना है वह पूर्ण होते हुए दिख रही है और उसमें अच्छा खासा लाभ भी आपको प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। सप्ताह का जो उत्तरार्ध भाग होगा, अंतिम हिस्सा होगा, यानी कि 23 अक्टूबर से लेके 5 नवंबर का जो अंतिम हिस्सा होगा, तो सप्ताह का उत्तरार्ध भाग में जो है आप सुख सुविधाओं से जुड़ी चीजों पे भी जो है कर्क राशि के जातक जो है बड़ी धनराशि खर्च कर सकते हैं। सुख सुविधाओं की चीजों पे जो है आपका खर्चा बढ़ता हुआ दिख रहा है, अपने घर में सुख सुविधाओं को जोड़ने के लिए आपको बड़ी राशि खर्च करनी पड़ सकती है। किसी प्रिय चीज की प्राप्ति अथवा घर के किसी व्यक्ति की बड़ी सफलता से जो है आपका मन प्रसन्न भी होता हुआ दिख रहा है। या तो कोई बढ़िया चीज जो प्रिय आपको लगने वाली वस्तु है उसकी आपको प्राप्ति होगी, या फिर आपके घर में किसी व्यक्ति की को बड़ी सफलता प्राप्त होगी जिससे आपका मन इस सप्ताह प्रसन्न रहेगा। प्रेम संबंध की बात करें तो प्रेम संबंध इस सप्ताह कर्क राशि के जातकों के मजबूत होते हुए दिख रहे हैं और लव पार्टनर के साथ हंसी खुशी का फल बिताने के अवसर भी आपको प्राप्त होंगे। अच्छा समय जो है अपने लव पार्टनर के साथ आप व्यतीत करेंगे। और वैवाहिक जीवन की जो बात करें तो वैवाहिक जीवन जो है कर्क राशि के जातकों का इस सप्ताह जो है सुखमय बना रहेगा, आनंदमय बना रहेगा। अब बात करते हैं उपाय के कि उपाय क्या करें कर्क राशि के जातक जिससे इस सप्ताह को और भी सुख फलदायी आप बना सकें।
तो उपाय के तौर पे जो है कर्क राशि के जातकों को इस सप्ताह प्रतिदिन जो है भगवान शंकर का पूजन करना है। शिवलिंग पे आपको प्रतिदिन ओम नमः शिवाय बोलते हुए जल की धार समर्पित करनी है और प्रतिदिन जो है शिव महिम्न स्तोत्र का आपको पाठ करना है। अगर आप यह उपाय करेंगे, शंकर भगवान का प्रतिदिन पूजन करेंगे, शिव महिम्न स्तोत्र का अगर आप प्रतिदिन पाठ करेंगे, तो आप इस सप्ताह को जो है सुफलदायी बना सकते हैं, आनंददायी बना सकते हैं, लाभदायी बना सकते हैं। तो यह उपाय आपको जरूर करना है। तो आज का यह कार्यक्रम यहीं पे करेंगे समाप्त। आज का यह कार्यक्रम आपको हमारा कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर अवगत कराएं। वीडियो अच्छा लगा तो इष्ट मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। जो पहली बार हमसे जुड़े हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आगे आने वाली जो वीडियो है वह समय समय अनुसार आप तक पहुंच सके और आप हमारे वीडियो से लाभान्वित हो सके। पुनः अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक माँ भगवती आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। जय माता दी।